अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ चाइना शमाल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना और यहाँ क्या बन रहा है। आज बन रही है यहाँ बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बन रही है और यहाँ बन रही है मिक्स सब्जी और ये सर्दियों की डिश है और सर्दियों में जरूर बनती है क्योंकि सर्दियों में आ रही होती है सारी की सारी तमाम वेजिटेबल्स और बहुत फ्रेशली आ रही होती है। तो आज यहाँ मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ और मिक्स सब्जी के लिए मैंने क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए और आप देख रहे होंगे यहाँ पहले से जो है वो कुछ पानी और कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आलू लिए थे 2 अदद, उनको मैंने काटा था स्क्वायर में, ठीक है, स्मॉल क्यूब्स करे थे मैंने। उसके बाद उसको मैंने इसमें डाल के बॉईल करने रख दिया है। तो आलूओं को हम कर लेंगे थोड़ा सा इसमें बॉईल, लेकिन बॉईल हम 100% नहीं करेंगे, हम 70% तक इसे बॉईल करेंगे। चार तक जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं, जब तक बाकी की क्या वेजिटेबल्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 2 अदद जो आलू थे वो बॉईल करने तो मैंने यहाँ रख दिए। इसके साथ साथ मैंने लिया है 1 अदद फ्रेश गोभी का फूल, इसके साथ साथ ली है मैंने शिमला मिर्च, देन मैंने ली है गाजर और इसके साथ साथ हम डालेंगे इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें और टमाटर, साथ साथ मटर है, मटर को हमने अभी छील के रखा हुआ है, मटर को भी मैं फुल बॉईल करूंगी और इसके साथ साथ कॉलीफ्लावर को हम ब्लांच करेंगे। गाजर को हम ऐसे ही डालेंगे क्योंकि गाजर का इतना ज़्यादा सख्त नहीं होती है, जो वेजिटेबल्स जो है देर में जो है ना वो बॉईल नहीं होती है। और इसके साथ साथ यहाँ ऑयल मेरे पास मौजूद है, ऑयल हम इसमें लेंगे 1/2 कप। तो 1/2 कप ऑयल मैंने यहाँ लिया हुआ है। प्याज यहाँ पर एक बिग साइज की थी, नहीं तो नॉर्मल साइज की 2 अदद प्याज ले लें आप और उसको इस तरह से स्मॉल क्यूब्स में कट कर लें। साथ साथ फ्रेश कोरिएंडर हमने लिया है, इसके साथ साथ यहाँ हल्दी मेरे पास मौजूद है, पिसा हुआ धनिया मौजूद है और साथ साथ मेरे पास लहसुन पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, चिकन पाउडर, लहसुन पाउडर और सॉल्ट, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है इसका होता है, हमें बॉयल करना होता है इसमें सब्जियों को अलग अलग और ब्लांच करना होता है। और उसका क्या रीज़न होता है, उसका रीज़न ये होता है कि हम इसलिए बॉयल करते हैं या ब्लांच करते हैं कि सब्जियों के अंदर एक आप देखें एक अलग सी स्मेल होती है, एक अलग सा उसका फ्लेवर होता है और इस तरह से अगर हम ब्लांच कर लेते हैं तो वो सारा का सारा फ्लेवर निकल जाता है और बहुत नीट एंड क्लीन वेजिटेबल्स यहाँ पर बनती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे करनी है कटिंग और कटिंग के लिए मैं सबसे पहले जो है वो कट करूँगी कॉलीफ्लावर को और कॉलीफ्लावर के हम इस तरह से इसके फ्लावर्स के जो होते हैं ये अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये अपनी नाइफ घुमाकर इसका बीच का पार्ट निकाल लूँगी और ये इस तरह से मैंने अलग कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, इसका ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसको भी हम प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा, ठीक है। आलू मैंने बॉईल करने रखे हुए थे, बस मैं आलू स्ट्रेन करके और मैं ये कॉलीफ्लावर को, अच्छा तमाम सब्जियां ऐसा नहीं होगा कि आपने सारी जो सब्जियां हैं, सारी जो वेजिटेबल्स हैं आपने वो सारी वेजिटेबल्स आपने एक साथ नहीं लेके और एक साथ उनको आपने वो नहीं करना है, मिक्स करके बॉयल या ब्लांच नहीं करना है, हर वेजिटेबल को अलग अलग करना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह मिक्स सब्जी का जो पुलाव बनता है उसमें भी यही हम करते हैं कि हम अलग अलग बॉयल करते हैं और ब्लांच करते हैं। अच्छा, कॉलीफ्लावर को हम ब्लांच करेंगे, बॉयल नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सिर्फ आलू को हम बॉयल करते हैं और मटर को हम बॉयल करते हैं, अदरवाइज हम ब्लांच करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कॉलीफ्लावर के ये देखें इस तरह से इसके मैंने स्टैम्प्स अलग कर दिए हैं और ये बिल्कुल तैयार हो गया। अच्छा, ये वाला जो है ये मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ और आलू जो है वो तकरीबन बॉयल हो गए होंगे तो मैं अब इसको स्ट्रेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू को स्ट्रेन कर दिया है, इसी वॉक में जो है मैं पानी डाल रही हूँ और किस तरह हम ब्लांच करते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है पानी और इसको हमने रखना है थोड़ा सा सिमरिंग पॉइंट आने के लिए, बहुत ज़्यादा वाटर जो है ना हमने हॉट नहीं करना, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, जब इसमें बिल्कुल माइनर वाले जो बबल्स होते हैं वो आने शुरू ही होते हैं देन हम इसके अंदर डाल देते हैं और फ्यू सेकेंड्स के लिए हम ब्लांच करते हैं। तो ब्लांचिंग का होता है एक ये तरीका, तो आप लोग जब सौते करते हैं वेजिटेबल्स या बहुत सारी चीज़ों में आपने सुना होगा कि ब्लांच वेजिटेबल्स हैं तो वो क्या होती हैं और किस तरह होती हैं, तो वो यहाँ पर मैं आज मैंने यही सोचा था कि मैं मिक्स सब्जी बहुत डिटेल में बनाऊं तो मैंने इसके साथ कोई सेकंड रेसिपी नहीं रखी, इसलिए मैंने कहा सोचा कि मैं इसको आपको डिटेल में सिखा दूँ थोड़ा सा कि ब्लांचिंग का क्या प्रोसेस होता है, बॉयलिंग का क्या प्रोसेस होता है, वरना मैं चाहती तो ये सारी चीज़ें बॉयल करके ब्लांच करके यहाँ रख सकती थी, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये कॉलीफ्लावर जो है हमने
रखा हुआ है। इसके साथ साथ मुझे करनी है अब कैप्सिकम की कटिंग, और कैप्सिकम को खोलने का मैंने आपको तरीका हम बताया है पहले भी। अगेन जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया, जिन लोगों ने मुझे अभी देखना शुरू किया है, तो उन लोगों के लिए भी मैं सिखा दूँ, उनको भी मैं बता दूँ। सबसे पहले आपने यहाँ से इसका ये पार्ट रिमूव करना है, ये देखें। उसके बाद हम करेंगे इसको डीसीडेड। इसको डीसीडेड करने का क्या तरीका है, आपने इस तरह से इसमें लगाना है एक कट, कट लगाएं, उसके बाद अपनी नाइफ को इस तरह से मूव करें और यहाँ से ये इसका स्टैम्प वाला जो पार्ट है ये निकाल लें। ठीक है जी, ये निकल गया। अच्छा जी, अब आ गया है इसका सिमरिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड सिमरिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर आप डाल सकते हैं अपनी वेजिटेबल्स को जिनको आपने ब्लांच करना। तो यहाँ पर ये इस तरह से मैं इसको डाल के ठीक है जी, इसको हम ब्लांच कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा देर हमने इसको ब्लांच नहीं करना, जस्ट हमने इसको 1 मिनट के लिए, 50 सेकंड्स के लिए हम इसको ब्लांच करेंगे। इससे क्या होगा, गोभी के अंदर एक अलग सी स्मेल होती है, आपने पकते हुए महसूस करी होगी, तो वो सारी स्मेल जो है वो सारी रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी, और बहुत फ्रेश सी यहाँ पर गोभी बनेगी। और हम मिक्स सब्जी जो बनाएंगे ना, अब आपको गलाने के लिए आप उसमें पानी डाल डाल के पकाने लगते हैं, तो वो क्या होता है, उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, उसकी जो है ना गज़ाइत कम हो जाती है, हम उसको ओवर कुक कर लेते हैं। जब हम वेजिटेबल्स को इस तरह करके रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट हम उसमें मिक्स करेंगे, फ्लेवरिंग करेंगे और वो डन हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपनी ये कैप्सिकम की कटिंग की तरफ। तो हमने इस तरह से इसको खोल लिया है, अब आप इसमें आप देख लें इसमें पोर्शंस कर लें। अब आपने इसमें जो भी कट निकालना है आप इसमें निकाल लें। तो मैं इसमें क्यूब्स कर रही हूँ इसके, तो मैं इसके आज मीडियम डाइस निकालूंगी। ये यहाँ से स्ट्रेट मैंने पैटर्न्स ले लिया है, ठीक है जी, ये इस तरह से, और देन ये इस तरह से। ये आप स्ट्रेट कर लें यहां से इसको, ये इसका ये पार्ट भी रिमूव कर लें। ये हम इसका एक्स्ट्रा जो सारा है ये देखें, ये सारा जो इसका कलर है कि देखें, ये सारा जो है ना हमने इसको तकरीबन ब्लांच कर लिया है, और इसको मैं तकरीबन 1 मिनट कंप्लीट होने तक इसको मैं करूँगी, और देन मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी जी। तो यहाँ पर ये इस तरह से मैंने कट कर लिया है इसको, अच्छा। कैप्सिकम को ना हम ब्लांच करेंगे, ये कुकिंग में ही आ जाएगी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, ये हमने इसको ब्लांच कर लिया है, और अब मैं इसको कर रही हूँ स्ट्रेन। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम मटर को करने रखेंगे बॉईल, ठीक है। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास मटर थी तकरीबन ये आई थिंक 250 ग्राम जो मटर होती हैं उसको छीला हुआ है मैंने, तो ये यहाँ पर मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। जब तक ये हमारी मटर बॉईल हो रही हैं, इसके साथ साथ हमें करनी है कैरेट की कटिंग, और कैरेट की हम कटिंग करते हैं, और कैरेट भी मैं क्यूब्स में ही कट कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं क्यूब्स में कट कर रही हूँ। अच्छा, कैरेट को आप चाहें तो ब्लांच कर लें, चाहें तो, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो वो टेंडर हो जाएगी। तो मैं देख रही हूँ अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं इसको ब्लांच भी कर लूँगी। तो इसका स्टैम्प हमने रिमूव किया, और हम इसको बहुत अच्छी गाजर आ रही होती है सर्दियों में स्पेशली, तमाम वेजिटेबल्स ही अच्छी आ रही होती हैं।
लेकिन गाजर जो है वो बहुत जबरदस्त आ रही होती है। कुछ लोग ये वाला पार्ट भी निकाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही इसको, जस्ट मैं इसको लेवल कर रही हूँ। प्रॉपर शेप लेने के लिए आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर आपने प्रॉपर डाइस लेना है, लेकिन क्या उसकी जरूरत है, ये तो हम देखेंगे, फिर वेस्ट हो जाता है ना सारा। तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर आप इस तरह चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाया करती, मेरी कोशिश यही होती है कि जाया ना हो। ठीक है जी, ये इसका ना ये प्रॉपर हमने डाइस निकाले। अच्छा, मटर को हम फुल बॉईल करेंगे तो वो थोड़ा सा टेंडर होने में टाइम लेती है। ये हमने गाजर को भी कट कर लिया है। ठीक है, टमाटर हमने चॉप करने, तो वो मैं हाथ के हाथ चॉप करूंगी। अब हम देख लेते हैं मटर हमारी बॉईल हुई है या नहीं हुई है। और देखें आप सब में इस तरह से झाग आ रहे हैं, स्कम्स आ रहा है सारा। नहीं, अभी मटर बॉईल नहीं हुई है, मटर को हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे। अच्छा जी, अभी इसको वॉक कर इस पर रख रहे हैं हम, पकाने के लिए रख लेते हैं। लेकिन मैंने सोचा मटर पहले फुल डन हो जाए, उसके साथ साथ जो है वो ग्रीन चिलीज भी मुझे कट करनी थी, तो मैं ग्रीन चिलीज भी कट कर लेती हूँ। और ये बस इस तरह से आपने सिंपल कट करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइस लेवल पसंद करते हैं तो आप इसको चॉप करके वो जो पतली वाली मिर्चें होती हैं वो शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज लेकिन वेजिटेबल्स जब आप झप्पी आप बनाएं तो आपकी कोशिश यही हो कि आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं रखें, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रखें, क्योंकि हम इसको न्यूट्रिशन के लिए खा रहे होते हैं, तो इसमें सारी जो है हमें न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म ना हो। उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयल कर देंगे, बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक कर देंगे हम, ये सारी जो है ना मैं ऊपर से इसमें शामिल करूंगी। ठीक है, अंदर नहीं शामिल करूंगी मैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया है कि इसकी हमें न्यूट्रिशन वैल्यू को बरकरार रखनी है। रेनबो सब्जी होती है ना, रेनबो सब्जी जो होती है आपने सुना होगा, एक तो मिक्स सब्जी होती है, रेनबो सब्जी सब्जी भी होती है। तो रेनबो सब्जी जो होती है वो कुछ भी नहीं होता, वो यही सब्जी होती है, और हम उसे इसी तरह से ब्लांच और बॉयल करते हैं और इसी तरह से कट करके हम उसे बनाते हैं। लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, उसका कलर हमें बरकरार रखना होता है, हम उसमें सिर्फ फ्लेवरिंग करते हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ उसमें नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर डालते हैं, दैट सेट, कुछ भी नहीं डालते। वो रेनबो सब्जी अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, बहुत ज़्यादा क्रश चिली डाल देंगे, उसका कलर पूरा डिजास्टर हो जाएगा। रेनबो सब्जी बड़ी खिली खिली बनती है, तो अगर आपने रेनबो सब्जी बनानी है तो आप उसमें सिर्फ जो है ना वो रेड चिली पाउडर रेसिपी यही सेम होगी, ये जो रेड चिली पाउडर है इसको आप कम कर देंगे। सिर्फ आपने रेड चिली पाउडर को कम करना है, बाकी सेम यही रेसिपी होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, वीनस राज टीवी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर डेली हमारी एपिसोड्स अपलोड होती हैं। तो अगर आपने मुझे अभी अभी ज्वाइन करा है, देखना, बहुत सारी रेसिपीज आपसे मिक्स जो है वो मिस हो चुकी हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जाना है सिर्फ यूट्यूब पर कुकिंग विद चाइना वीनस लिखना है और हमारी रेसिपीज इंजॉय करनी है। इसके अलावा अगर आप अपना हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे पेज पे, वीनस के पेज पे जा सकते हैं फेसबुक, और मेरा अपना शेफ शाइना शमाइल के नाम से पेज है, उस पर भी आप लोग जाकर विजिट कर अपना सारा फॉलो भी कर सकते हैं, और साथ साथ अपने जो है वो मैसेजेस मुझे कर सकते हैं, और जो भी आप चाहते हैं कि मैं जिस तरह की रेसिपीज़ बनाऊँ वो भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही टाइम हो गया एक और ब्रेक का, जब तक हम करते हैं इस मटर को बॉयल, और ये मटर होती है जब तक बॉयल, तो जब तक लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक।